आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मीनाल खान ने अपनी शादी की तीसरी एनिवर्सरी को किस तरह से सेलिब्रेट किया, एहसन इकराम ने मीनाल खान के लिए कौन कौन से तहाइफ लिए और मीनाल खान को किस तरह से सरप्राइज़ दिया। इनके मुकम्मल वीडियोस देखने के लिए वीडियो का एंटर ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदाकारा ऐमन खान और मीनाल खान अपनी फैमिली की हर बर्थडे एनिवर्सरी या किसी भी इवेंट को बेहद आनिशान अंदाज में मनाती हैं और साथ ही साथ मदाहों के साथ भी हर तस्वीर और वीडियो को शेयर किया जाता है। इसी तरह मीनाल खान ने आज अपनी एनिवर्सरी को बेहद खूबसूरत अंदाज में मनाया। एहसन इकराम ने ना सिर्फ अनोखे फूल बल्कि ढेरों केक लाकर भी मीनाल खान को एनिवर्सरी की मुबारकबाद दी। जिस तरह मीनाल खान ने मालदीव्स में जाकर अपना हनीमून एंजॉय किया था, इसी तरह एहसन इकराम ने अपनी एनिवर्सरी में मीनाल खान को मालदीव ले जाने का वादा कर लिया। मीनाल खान ने यह भी बता दिया कि वो अपनी एनिवर्सरी की मुकम्मल सेलिब्रेशन के लिए अपने बेटे हसन इकराम को अपनी मामा के पास छोड़ के मालदीव्स जाने वाली हैं। दुनिया के कौन से कोने में आप लेके आ गई हैं मुझे? अपना हाल दिखाओ लोगों को। क्यों? मुझे छोड़ा, मैं तो एंजॉय कर रही हूं। गाइस, मैं थोड़ा सीसिक हो गया हूं यहां आके। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। और बेहद हसीन और खूबसूरत तस्वीर मदाहों को दिखाएंगी। आपको भी मीनाल खान की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से आने वाली मुकम्मल वीडियोस का बेसब्री से इंतजार है। हमें कॉमेंट्स में कीमती राय का इजाज़ जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आ जाओ, सर्व करो मीनाल। दैट इज नॉट अ सर्व।